हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन हम आपको पढ़ा रहे त्रिवी में जामती जिसके पहले आप पढ़ चुके होगी कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच कैसे कोण ज्ञात किया अगर कोई दो रेखा दी गई उनके बीच कैसे कोण ज्ञात करते वो अच्छे भी समझ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में आपको कोई समस्या नहीं फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें हाँ हमें सर पर समस्या आ रही नहीं समझ में आए तो आपको फिर से वीडियो हम बता देंगे क्वेश्चन आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं उसके आगे हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे ये सारे क्वेश्चन हो गए एट नंबर तक और इसमें भी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इलेवन तक यानी नौ दस ग्यारह हो चुके आज हमें बारह नंबर कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि 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 का मतलब क्या होता है लेकिन 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 कह रहा है रेखा वन माइनस एक्स सेवन बाई माइनस इतना और इतना परस्पर लंब है ये कह रहा है कि ये परस्पर लंब है तो चलिए बारह नंबर क्वेश्चन है लेकिन लिख लो वन माइनस एक्स बाई कितना थ्री बराबर सेवन वाई माइनस फोर्टीन और लिखा हुआ है टू पी बराबर देखो जेड माइनस थ्री बाई टू लिखा हुआ है ठीक अगर आपको ध्यान से देखो रेखा का समीकरण हमने बताया था यहीं लिख देते हैं ताकि आपको कुछ फोकस हो जाए क्या बताया था एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड माइनस जेड वन बाई सी ऐसे होना चाहिए लेकिन कुछ गलती है क्या गलती है वन माइनस एक्स है ये गलत कर दिया ना क्योंकि यक्स माइनस एक्स वन होना चाहिए यक्स आगे होना चाहिए एक्स वन पीछे होना चाहिए यहाँ गलत वही चीज़ को सबसे पहले इसको समराइज़ करिए यानी मतलब उसी को सही करिए चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते तो ये कितना एक्स माइनस वन हो जाएगा और ये बाई थ्री हो जाएगा इसमें सी वन कॉमन ले लो तो वाई माइनस सात दूनी चौदह हो जाएगा बाई टू भी हो जाएगा और इसमें ये अपने आसान पे सही है देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं एक्स जेड माइनस जेड वन बाई सी अगर माइनस को नीचे लाए तो x माइनस वन बाई कितना माइनस थ्री होगा और इसको y माइनस टू बाई कितना टू पी बाई सी वन होगा होगा कि नहीं क्योंकि इसको बटे से बटा लाना है तभी होगा और फिर निकालें z माइनस थ्री और बाई टू ये आ चुका तो आप अब समीकरण बन गया तो अगर हम तुलना कर लें किससे तुलना करें तुलना करो x- माइनस एक्स वन बाई ए वन वाई माइनस वाई वन बाई बी वन और z- माइनस जेड वन बाई सी वन से तुलना करो अगर इसको तुलना करते तो हमें ए वन बी वन सी वन क्योंकि कहा कि परस्पर लम्ब होने का तो ए वन की वैल्यू कितना माइनस तीन और बी वन की वैल्यू कितना आया टू पी बाई सी वन हो जाएगा और सी वन की वैल्यू कितना आया था टू आया बस यह हमें निकालना था इससे आगे कोई इसमें नहीं करना था कि कुछ करना था अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं दूसरा समीकरण क्या है चलिए इसको ऐसे राइट साइड में लिख कर देते हैं आगे, आगे आपको देखो इसी के आगे दूसरा समीकरण लिखा हुआ है आप स्किन शॉट ले सेवन गाइनस सेवन एक्स बाई कितना थ्री पी फिर बराबर वाई माइनस फाइव बाई वन फिर बराबर सिक्स माइनस जेड बाई कितना फाइव ये दिया गया फिर ये अपने स्थान पे भूल गया सही करने के लिए तो भूल गया तो भूल गया हमें तो सही करना देखो माइनस सेवन कॉमन ले लो तभी तो एक्स पॉजिटिव होगा एक्स माइनस वन हो जाएगा अगर इसमें कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन होगा अब बाई कितना थ्री पी ये अपने स्थान पे सही है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं ये गलत कर दिया क्योंकि जेड आगे होना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन ले लें जेड माइनस सिक्स बाई कितना फ़ाइव हो जाएगा अब क्या करिए इसको नीचे ले एक्स माइनस वन बाई थ्री पी बाई कितना माइनस सेवन बराबर ये वाई माइनस फाइव बाई वन हो जाएगा और जेड माइनस सिक्स बाई माइनस ऊपर नहीं होना चाहिए तो माइनस फाइव नीचे आ गया अब अपने स्थान पे ये सही हुआ जिनको हमें सही करना था अब हमने पूरे को क्या कर दिया ये सही कर दिया जब पूरे को सही कर दिया तो फिर तुलना कर लो अगर आप तुलना करोगे किससे इसी से तुलना करेंगे x माइनस एक्स वन बाई ए टू बराबर वाई माइनस वाई टू बाई बी टू और जेड माइनस जेड टू बाई सी टू से तुलना अगर हम तुलना करते हैं तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा थ्री पी बाई माइनस सी वन और बी टू का मान कितना वन और सी टू का मान कितना माइनस फाइव हो गया ये पता चल चुका अगर आपको बताया थे यदि दो रेखा परस्पर लंब है यदि दो रेखा परस्पर सबसे पहले वीडियो में बताए थे कि लंब है तो आप लिख सकते हो याद रखना ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर कितना जीरो यही होता है अब आप डायरेक्ट रख दो ए वन की वैल्यू कितना माइनस थ्री और ए टू की वैल्यू कितना थ्री पी वाई माइनस सेवन और प्लस बी वन की वैल्यू कितना है बी वन की वैल्यू कितना 2p टू पी बाई सी वन और बी टू की वैल्यू वन है यहाँ पर और सी वन की वैल्यू कितना है टू और सी टू की वैल्यू माइनस फाइव बराबर कितना ज़ीरो बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए जैसे का से अभी तुरंत आंसर दे देगा चलिए सॉल्व करते हैं ये माइनस माइनस प्लस तीन तरीक का नौ नाइन पी बाई कितना सेवन और टू पी बाई कितना सेवन और पाँच दूनी दस माइनस दस बराबर ज़ीरो उसको उधर लेके जाओ देखो इसका हर जो है समान है जब हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा जब अंश जुड़ जाएगा नौ दो ग्यारह ये इलेवन पी बाई कितना सेवन ये उधर गया तो टेन हो गया इसको उधर गुड़ा कराओ तो पी बराबर सेवन गुड़े कितना टेन और बाई कितना इलेवन तो पी बराबर कितना दस अते सत्तर बटे ग्यारह ये पी का आ गया तो देखो क्योंकि यही चीज तो ज्ञात करना था तो बस अगर कोई दो रेखा मिलती है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो स्क्रीन शॉर्ट आप ले लो दोनों रेखा आपने देखा कि सामने आपके थी। किन शॉर्ट ले लिए होंगे आपको कोई समस्या नहीं रही होगी कि इनमें आपको कोई समस्या रही होगी अगर दो रेखाएं मिलती है तो उनके बीच का अगर आपको ज्ञात करना होता है लंब है तो उसके बीच के पी की वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बारह नंबर ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगर इसको आप नहीं देखे होंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह फिर दिखाइए कि रेखा x x माइनस फाइव बाई सेवन वाई प्लस टू वाई माइनस फाइव जेड बाई वन और x बाई वन वाई बाई टू जेड बाई परस्पर लंबा तो चलो इनको भी दिखा देते हैं तो इनके दिखाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है कि इनके दिखाने के लिए हमें कोई समस्या है तो दिखा देते हैं तेरह नंबर क्या है लिखा हुआ एक्स माइनस फाइव बाई और लिखा हुआ है वाई प्लस टू बाई माइनस फाइव और बराबर जेड बाई वन दूसरा लिखा हुआ एक्स बाई वन बराबर वाई बाई टू और लिखा हुआ जेड बाई थ्री जेड बाई थ्री ये दिखाइए कि परस्पर लंब है तभी हमने बताया था कि कभी भी अगर लंब दिखाने के तो तुलना कर लो किससे x एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन बाई बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन बाई सी वन और फिर फिर लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू बराबर वाई माइनस वाई टू बाई ये हो जाएगा बी टू और जेड माइनस जेड टू बाई सी टू हो जाएगा हमें बटे से मतलब है यहाँ नहीं है तो एक्स माइनस जीरो लिख सकते हो लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है तो हम निकालते हैं तो ए वन बराबर कितना आ गया सी वन और ये बी वन लिखा हुआ तो पहले से बी वन बराबर माइनस फाइव और सी वन बराबर कितना वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जेड बाई वन है और ए टू बराबर ये ए टू है वन हो जाएगा और बी टू बराबर टू होगा और जेड टू बराबर कितना तीन हो गया तो दो रेखा के परस्पर लंब होने के प्रतिबंध से तो देखो दो रेखा के परस्पर परस्पर लंब होने के प्रतिबंध से अगर हम निकालते दो रेखा परस्पर लंब होती है तो उनका भी आपने पढ़ा था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो यही दिखा दो तो अपने आप में प्रूव हो जाए चलिए वैल्यू रखो सेवन इंटू वन प्लस बी वन की वैल्यू माइनस फाइव और गुड़े कितना टू सी वन की वैल्यू वन गुड़े कितना थ्री तो इसको सॉल्व करते सात एक के सात पाँदूनी दस तीन एक के तीन सात तीन दस दस माइनस दस बराबर कितना जीरो तो ये क्या होगा कि प्रूवड हो गया कि यह परस्पर क्या थे लंब थे तो बस इतने ही करना था इसमें ज्यादा आपको नहीं करना था कि ज्यादा करना था तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए चलिए आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया अब आपको समझ में आ चुका कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि इन पे तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि इनके लिए तो हमें जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आपको बता भी दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहता है कुछ अलग चीज़ है और इंपॉर्टेंस है याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रेखाएं इतना दिया गया और इतना दोनों की कह रहा है बीच की न्यूनतम दूरी अब हमें क्या याद करना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी चलिए ये भी सीखते हैं कि अगर दो रेखा दी गई तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम मेथड पे आते हैं तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी दो रेखाएं एक रेखा एल्बन ऐसे निकल गई ऐसे इनकी निकल गई तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना एक असमतलीय मतलब ये एक समतल में है विषमतलीय रेखाओं की तो इनके बीच की दूरी होती दो रेखा आपको मिलेगी एक ये मिल जाएगी यहाँ पर आर वैक्टर बराबर ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वन वैक्टर और आर वैक्टर बराबर ए टू वैक्टर प्लस लेमडा बी टू वैक्टर यह आपको दोनों समीकरण लिखेंगे इसमें बे ए वन और बी वन की वैल्यू निकाल के तो ये दो रेखा की क्या होगी दो रेखा की बीच की दूरी रेखा के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो दो रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर और डॉट ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर और बट्टी मॉडल बी वन बैक्टर क्रॉस बी टू बैक्टर यही आपको निकाल के चाहे जैसा क्वेश्चनों का आप आसानी से निकाल सकते हो तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली कि कोई समस्या होने वाली चलिए यही प्रोसेस पे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को अपने लिखा हुआ है देखो समीकरण है चौदह नंबर क्या है चौदह नंबर उसको आप लिख लीजिए लिखा हुआ है कि आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस के कैप और प्लस लेमडा लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना के कैप और फिर आर वेक्टर बराबर इसमें लिखा हुआ है टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस कितना के कैप और ये हो जाएगा प्लस न्यू फिर लिखा हुआ है टू आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस टू के कैप ये दो रेखाएं दी गई इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच का हमें कोड ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का बहुत आसान सा मेथड है बस आपको सीखना पड़ेगा कैसा मेथड है चलिए सबसे पहले एक काम करना होगा कि आप एक समीकरण उससे तुलना करिए मतलब अभी आपको बताए थे जहाँ दो भाई दो रेखाओं के बीच का कोड निकालते थे, तो उसमें तुलना करते थे तो ए वन और प्लस लेमडा ये हो जाएगा बी वन और दूसरा फिर हो जाएगा आर वैक्टा बराबर ए टू वैक्टर और प्लस लेमडा B2 टू वैक्टर से क्या कर लो तुलना कर लो अगर आप तुलना कर लिए तो क्या निकलेगा A1 की वैल्यू चाहिए A1 की वैल्यू कितना i कैप कैफ प्लस टू जे और प्लस कितना k कैप और दूसरा यहाँ पर B1 लिखा हुआ है तो ये B1 हो जाएगा B1 वन वैक्टर हुआ आई कैप माइनस जे और प्लस कितना k कैप फिर दूसरा निकालते हैं ए टू का जब ए टू निकालोगे तो दूसरे वाले से तो तुलना कर लो तो आगे वाला हो जाएगा टू आई कैफ माइनस जे कैफ और माइनस के कैफ फिर इसके बाद बी टू निकालो तो बी टू निकालोगे तो टू आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस कितना टू के कैफ ये हो जाएगा तो अभी हमने सूत्र आपको बताया ही सूत्र आपको अच्छे से समझ ही गए कि क्या था सूत्र क्योंकि उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी सूत्र हम लिख देते हैं कि दो रेखाओं के पहले सूत्र लिख लो तभी आपको समझ में क्या करना है तो देखो दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी ये दूरी का सूत्र होता है मॉडलस या d बराबर d बराबर मॉडलस b1 वन वैक्टर और क्रॉस b2 टू वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर और माइनस ए वन वैक्टर और बटे क्या होगा मॉडल्स बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर ये फार्मूला होता है इन पे अभी ना याद हो तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ताकि आपको कोई समस्या न रहे क्या लिखा हुआ है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर ए टू वैक्टर माइनस ए वन बटे मॉडल बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर तो आपको यही याद करना है तो अब हमें इतना हमने सीख ही लिया तो जो जो चीज़ है इसमें निकालते जाओ क्रम से सबसे पहले हमें क्या निकालना है a1 वन वैक्टर डॉट ए ए टू वैक्टर और माइनस ए वन वैक्टर चलिए निकालिए क्योंकि यही निकालना पड़ेगा यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो ए टू का मान कितना टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैफ और आपने देखा फिर माइनस ए वन की वैल्यू रखा तो आई कैप माइनस प्लस टू जे कैप और प्लस कितना के कैफ अगर आप गुड़ा कराओगे तो ये हो जाएगा टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप और इसमें गुड़ा का माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप और माइनस कितना के कैप सब माइनस हो जाएगा दो में से एक घटाओ तो आई कैप और दो एक तीन थ्री जे कैप हो जाएगा के में के माइनस के माइनस जोड़ देंगे तो माइनस टू के कैप ठीक इतना आ गया इसको हम क्योंकि मॉडलस नहीं निकालना था फिर आप निकालो कि बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर जब बी वन बी टू निकालेंगे तो आप जानते हो क्रॉस में आई जे के इसके पहले लेक्चर में आपको इसके पहले वाले बता चुके लेसन में देखो लिखा हुआ आई का वन माइनस वन वन क्योंकि सबका गुणांक ले लेते हैं तो वन हो जाएगा और माइनस वन और वन होगा फिर देखो बी टू की वैक्टर की टू वन टू कितना ले लेंगे टू वन टू वन टू चलिए निकालिए डायरेक्ट क्योंकि बड़े क्वेश्चन दो एक के दो माइनस दो एक, एक के एक हो जाएगा फिर माइनस ये हो जाएगा जे कैप ये इसके दो इक्के दो और दो इक्के दो माइनस दो हो जाएगा और प्लस के कैप इसको गुड़ा एक इक्के एक, एक हो जाएगा दो इक्के दो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा दो चलिए इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा जे कैप और गुड़े कितना जीरो होगा और ये हो जाएगा के कैप और ये कितना दो हो जाएगा तो इनको अगर हम कर लें तो ये कितना हो जाए माइनस थ्री आई कैप और माइनस जे से जीरो में गुड़ा कराओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो जीरो जे कैप और प्लस कितना दो एक तीन है इस पर जब लिखेंगे दो एक तीन हो जाएगा थ्री के कैफ ये हमें निकल आया क्या था बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर लगे हाथ इसका ये भी निकाल लो कि बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर जब निकालोगे तो ये देखो कितना माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस कितना जीरो का स्क्वायर और ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर और जीरो को ये प्लस भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं जीरो निगेटिव होता है पॉजिटिव उससे कोई प्रभाव होता नहीं तो इसका वह करेंगे तीन तरीक का नौ और ये जीरो हो जाएगा तीन तरीक का नौ 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 कितना अट्ठारह अट्ठारह का तीन तरीक का नौ थ्री रूट टू आ जाएगा जिसका जोड़ा ले सकते हो वो बाहर कर लीजिए तो इतना आ चुका अब आ जाइए बीच की दूरी के सूत्र पे तो डायरेक्ट आपको जो बताया गया वो रखते चलीजिए रेखा के बीच की दूरी रेखा के बीच न्यूनतम दूरी अभी हमने पढ़ा d बराबर क्या पढ़ा d बराबर क्या पढ़ा कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर तो आपने ये निकाला है तो इसको लिख दो मॉडुलस में माइनस थ्री आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस कितना थ्री के कैफ और फिर इसके बाद बीच में डॉट है फिर आपने क्या लिखा था अभी पढ़ा बता देते हैं आपको देखो ये लिखा हुआ है फिर से दिखा देते हैं बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू डॉट ए टू बैक्टर माइनस ए वन वैक्टर ये निकाला है आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैफ तो इनको लिखते हुए चले जाइए तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस थ्री जे कैफ और माइनस कितना टू के कैफ ये हमने लिख दिया एक सेकंड देख लेते हैं नहीं तो कहीं गलत कर दिया हो हाँ सही है आई कैब माइनस थ्री अब नीचे जो बटे टेमाडलस का होता है बी वन बैक्टा क्रॉस बी टू बैक्टा तो वैल्यू कितना थ्री रूट टू हो जाएगा इन्हीं को अब आप जानते हो आई के साथ आई माइनस तीन गुड़े कितना वन फिर प्लस जीरो गुड़े कितना माइनस तीन और प्लस तीन गुड़े कितना माइनस दो अभी आपको बताए थे ये हो जाएगा थ्री रूट टू ये तीन एक के तीन और प्लस जीरो हो जाएगा और माइनस तीन दूनी छः हो जाएगा और बटे कितना थ्री रूट टू हो जाएगा चलो इसको और सॉल्व करो तीन तीन कितना नौ हो जाएगा माइनस नौ और बटे कितना थ्री रूट टू तीन त्रिक का नौ तो आपने देखा कितना आ चुका इसका मान कि माइनस तीन बटे रूट टू इसको पॉजिटिव कर दीजिए तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा डी बराबर तीन बटे कितना रूट टू यदि किसी दो रेखा को आपको मिलता है तो बस ऐसे ही याद कर लेते हैं कोई इसमें समस्या नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर लेना एक सेकेंड स्क्रीन शॉट ले लो फिर कुछ और बोलते हैं इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लिया ये भी ले लिया होगा और एक सेकेंड चलो ज़्यादा बड़ा ये भी आप ले लिए होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको ज्ञात करते हैं इसमें कोई समस्या आपको नहीं रही होगी तो देखो क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है इसके आगे इनमें क्वेश्चन नंबर चौदह भी बीच की दूरी लेकिन वो नहीं बताया अभी क्वेश्चन नंबर सोलह और सत्रह सदिश रूप में इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने सेम ऐसे ही लगाना है आप आसानी से लगा सकते हो नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए हाँ सर नहीं आया नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको आसानी से इसका सोल्यूशन लेकर और आपको अच्छे से समझते हुए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो वीडियो देख लें थैंक यू सो मच